In today's lecture, we are going to discuss about the spinal cord, which is a part of and central nervous system apart from brain. So let's start with the spinal cord. This is a common diagram showing brain and spinal cord. ये जो आपको ऊपर वाला portion दिख रहा है, ये brain का है. Although हम brain study कर चुके हैं previous lecture में, अगर किसी ने पहले नहीं देखा हो, तो पहले brain का आप topic देखिए पूरा detail में. ये जो आपको part green color से show किया है, ये क्या है? हमारे ventricles हैं. वेंट्रिकल्स पता है हर किसी को कि वेंट्रिकल कितने होते हैं. चार वेंट्रिकल ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है. और ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? CSF बनाते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड, जो क्या करता है, ब्रेन को, पूरे ब्रेन को आपका क्या करता है, मॉइस्चराइज भी करता है और साथ ही साथ शॉक एब्जॉर्बर की भी तरह भी एक्ट करता है. नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर से जो शो किया हुआ है, दिस इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन का काम क्या होता है? ये कनेक्टिंग पॉइंट होता है. ब्रेन को जाने वाली इम्पल्स और वापस आने वाले न्यूरॉन्स यहीं से होते हुए जाते हैं. प्लस ये क्या करता है, हमारे आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. इसके नीचे जो पोर्शन आपको रेड कलर से शो किया हुआ है, दिस इज पॉन्स. पॉन्स क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर इसमें प्रेजेंट होते हैं. दो सेंटर्स होते हैं बेसिकली, न्यूमेटैक्सिक एंड एपिनोस्टिक सेंटर, और दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रेस्पिरेटरी कंट्रोल. फिर जो नेक्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से जो शो किया हुआ है, दिस इज योर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रेन में. ये क्या करते हैं, सारे बॉडी के जितने भी वाइटल सेंटर्स होते हैं वो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं. चाहे वो आपका कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो, रेस्पिरेटरी सेंटर हो, चाहे आपका रिफ्लेक्स सेंटर हो, तो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी की वाइटल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए. वाइटल मीन्स जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए या हमारी लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब बात करते हैं, देखो स्पाइनल कॉर्ड की, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से नीचे जो आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर राइज होता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड. तो देखो इसमें जो ये स्पाइनल कॉर्ड है सिलेंड्रिकल होती है. देखो मेल और फीमेल में एक डिफरेंस होता है, मेल के केस में और फीमेल के केस में इसकी लेंथ अलग अलग होती है आपकी. मेल में इसकी लेंथ जो होती है आपकी वो है 45 सेंटीमीटर और फीमेल्स में होती है 43 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ में डिफरेंस है. आप देखिए, जैसे ब्रेन को कवर करने के लिए, जब ब्रेन आपका ब्रेन है हमारा, ब्रेन को कवर करने के लिए दो आपके बैरियर्स अवेलेबल होते हैं, दो प्रोटेक्टिंग कवर अवेलेबल होते हैं. ब्रेन के जस्ट बाहर क्या होता है, मेनिंजेस होते हैं, मेम्ब्रेन जो कवर करती हैं, बचा के रखती हैं ब्रेन को. और उसके जस्ट बाहर क्या होता है, ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या है, स्कल. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, क्या है ब्रेन के बाहर, मेनिंजेस और दूसरा क्या है, स्कल. और वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के लिए भी दो चीज़ें हैं, एक तो मेनिंजेस, सेम ब्रेन की तरह मेनिंजेस अवेलेबल हैं जिसमें आपकी वही मेनिंजेस आती हैं जो हमने ब्रेन में पढ़ी थी. कौन कौन सी थी, पाया मीटर, एरेक्नॉइड मीटर एंड ड्यूरा मीटर. ये तीनों लेयर्स थी, ये तीनों मेम्ब्रेन्स थी जिनके बीच में स्पाइनल फ्लूड रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड, जिससे आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कवर रहता है क्योंकि ये दोनों के बाहर होती है. अब ब्रेन के बाहर तो क्या था, स्कल था. ये जो आपका स्कल है जिसे खोपड़ी भी बोलते हैं ना, बाहर का स्ट्रक्चर जो है, वैसे ही आपके स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम होते हैं. आप देखेंगे आपके नेक पोर्शन से आपके बिल्कुल स्पाइन पोर्शन में आपकी पूरी क्या होती है, एक वर्टिब्रल कॉलम होता है. और ये वर्टिब्रल कॉलम आपका स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, कवर करके रखता है. तो सिंपली कवरिंग, आपको बैरियर्स पता होने चाहिए दोनों के प्रोटेक्शन के लिए. मेनिंजेस दोनों में कॉमन है, ब्रेन के केस में स्कल हो गया दूसरा प्रोटेक्शन के लिए, और स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्या है, वर्टिब्रल कॉलम. अब देखो वर्टिब्रल कॉलम, पहले ये बताने से पहले कि वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्टिब्रल कॉलम एग्जैक्टली है क्या. तो देखो जो वर्टिब्रल कॉलम है, कितने वर्टिब्रा होते हैं, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कितने वर्टिब्रा होते हैं, टोटल 33 हमारे वर्टिब्राज होते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट करते हैं. 33 की काउंटिंग पता होनी चाहिए कि कौन कौन से वर्टिब्राज अवेलेबल होते हैं. तो फर्स्ट जो वर्टिब्रा होता है वो क्या होता है, सर्वाइकल. नेक पोर्शन से मैंने बताया था, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेक पोर्शन से. तो नेक में कौन से होते हैं आपके, सर्वाइकल. कितने होते हैं ये, 7 in number. ठीक है, 7 सर्वाइकल होते हैं. नेक्स्ट आ जाइए थोरेसिक. 7 से नीचे आप जाओगे, थोरेसिक स्टार्ट होते हैं. थोरेसिक कितने होते हैं, 12.
नेक्स्ट आता है आपका लंबर. लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं? 5. देन आता है आपका सैक्रल. सैक्रल कितने होते हैं आपके? अगेन 5. फिफ्थ होते हैं आपका कोकीजियल. और कोकीजियल कितने होते हैं आपके? 4. तो ये क्या है आपके 33 वर्टिब्रा हैं जो हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं. अब देखो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड ऐसा नहीं है. अब ये नंबर में अगर मैं देखूं, अगर पूरे वर्टिब्रा को देखोगे तो कितने हो गए टोटल? 33 हो गए. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड 33 वर्टिब्रा तक नहीं चलती है, सर्वाइकल से स्टार्ट होती है और लंबर जहाँ पे पहला लंबर आता है ना वहाँ पे खत्म हो जाती है. ध्यान में यही रखना है आपने, जहाँ पे लंबर आया यहाँ से स्टार्ट होगी स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से. जहाँ पे आपका L आएगा, L1, ठीक है ये आया. जहाँ पे L1 आएगा, L1 वर्टिब्रा जहाँ पे होगा वहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से कॉर्डा इक्विना बना लेगी. ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इसी को मैं भी आपको बताती हूँ. तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे अब यहाँ आ जाइए, ठीक है. ये मैंने बताया ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है. यहाँ से कहाँ से एक्सटेंड हुई थी? मेडुला ऑब्लेंगेटा से स्टार्ट हुई थी. आप देखो इसमें दो स्वेलिंग प्रेजेंट होती हैं. जब आप पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, आपके सामने है स्ट्रक्चर, तो इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि बेटर हम एक्सप्लेन कर सके. तो देखो आपको पूरे स्पाइन कॉर्ड में दो स्वेलिंग दिखाई दे रही है. देखो मिडिल वाला पोर्शन देखो, अगर इसका डायामीटर देखते हो तो ये इसका डायामीटर और इसका डायामीटर सिमिलर है, बट बीच में जो डायामीटर है वो थोड़ा सा क्या हुआ, नैरो हुआ. तो यहाँ से एक और चीज़ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है आपसे, कि जो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपकी जो सर्वाइकल, यहीं पे लिखा हुआ है तो यहीं से बेटर रहेगा, आपका जो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है और जो लंबर वर्टिब्रा है, ठीक है, इसका डायामीटर जब हम स्पाइनल उसकी बात करते हैं तो इनका डायामीटर कितना होता है आपका? 13 mm, ठीक है. 13 mm क्या है इसका डायामीटर है. जबकि अगर आप थोरेसिक को देखोगे तो थोरेसिक का डायामीटर क्या होता है आपका? 6.4 mm. तो ये देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये वर्टिब्रा की बात नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान में रखें. यहाँ मैंने एरो लगाया, इसका मतलब ये नहीं मैं वर्टिब्रा की बात कर रही हूँ, मैं वर्टिब्रा के अंदर प्रेजेंट स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रही हूँ. और स्पाइनल कॉर्ड को नेमिंग ही ऐसे दी जाती है. देखो जहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड इस रीजन में, अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, ये है देखो, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसमें बॉक्सेस हम बना लेते हैं. यहाँ पे देखो क्या होगा, और हमेशा ध्यान रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड में जो आपकी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स, वो पेयर में होती हैं. कितनी होती हैं स्पाइनल नर्व्स? 31. टोटल कितनी होती हैं? 31 होती हैं. कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो ये क्या है? ये है आपका, देखो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4, ये C5, ये C6, ये C7, ठीक है. मतलब सर्वाइकल 1 से लेके सर्वाइकल 7 के अंदर, सर्वाइकल 1 से लेके सर्वाइकल 7 के अंदर जो आपकी नर्व्स होंगी उनको आप क्या बोलोगे? सर्वाइकल नर्व. यहाँ देखो वर्टिब्रा है ना आपका, सर्वाइकल कितना बोला आपने? 7 है ना. सर्वाइकल कितने हैं वर्टिब्रा हमारे पास? 7 है. इस तरीके से देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो. ये है देखो, ये वर्टिब्रा है आपका, और वर्टिब्रा के अंदर जो यहां तक का पोर्शन होगा, यहां तक का, उसे क्या बोलोगे? यहां से यहां तक वाले को सर्वाइकल. और सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर जो आपकी नर्व्स होंगी उनको क्या बोलोगे? सर्वाइकल नर्व, क्योंकि वो सर्वाइकल वर्टिब्रा से निकलती हैं, ठीक है. अब देखो सर्वाइकल के नीचे आपकी, फिर से आप देखिए कितनी है थोरेसिक, कितनी है, मैं ऐसे राउंड करके बना दे रही हूँ इसे, कितनी है? 12 है, ठीक है. अगर इसकी नंबरिंग में प्रॉब्लम हो तो कोई वो होने की जरूरत नहीं है, आप 12 इसे कर सकते हो. मैंने भी इतना ही इसमें कर दिया है कवर, ठीक है. तो अब क्या होंगी आपकी, यहाँ पे जो होंगी फिर हम बढ़ा देंगे उसे, पहले इनके नेमिंग दे देते हैं इन्हें. तो ये क्या होगा आपका, सर्वाइकल के बाद क्या आता है? थोरेसिक. T1, T2, T3, T4, T5,
T6, T7, T8, T9, ठीक है। इसमें फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, कितनी होती है थोरैसिक, ट्वेल्व होती है ना। लीजिए ये बन गई हमारी कितनी, T10, T11, T12। तो देखो सर्वाइकल 7 हो गई, देन आपकी थोरैसिक कितनी हो गई, 12। अब बात करते हैं किसकी, लंबर की। अब बताइए स्पाइनल कॉर्ड लंबर कितने तक चलती है, मैंने क्या बताया था, सर्वाइकल से स्टार्ट होती है और लंबर 1 में आके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, यहां पे आप केवल L1 को बनाएंगे, L1। L1 में आते ही क्या होगी, ये स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाएगी इस तरीके से। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड का एंड पॉइंट है, इससे नीचे जो रहेगा ये आपका वर्टिब्रल कॉलम तो रहेगा। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, लंबर 5 है पूरे, तो 2 से लेके 4 तक भी आएगा, सैक्रल भी आएगा, कोकिजियल भी आएगा। बट जो बात ध्यान में आपने रखनी है, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कहां तक होती है, L1 तक होती है। L1 के बाद स्पाइनल कॉर्ड नहीं जाती है, सिंपल ध्यान रखना कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहां तक होगी, केवल L1 तक होगी। हालांकि जो ऊपर से जो भी न्यूरॉन्स आएंगे वो आपके मैसेज कहीं से भी दे सकते हैं। देखो अगर आपके मान लो आर्म से, आपके हाथों से, ये आपकी हैंड पोर्शन से अगर कोई भी मैसेज ब्रेन में आने की कोशिश कर रहा है तो वो किस स्वेलिंग से आएगा, वो इस स्वेलिंग से आएगा। याद रखिएगा जो सर्वाइकल स्वेलिंग आपको दिख रही है, मैंने बताया था 2 स्वेलिंग होती है, एक सर्वाइकल एक लंबर, दोनों में स्वेलिंग आपको दिख रही है और बीच वाला पोर्शन क्या है आपका, बिल्कुल टेपर्ड है। तो देखो अगर हैंड से कोई भी आपके मोटार या सेंसरी न्यूरॉन आते या जाते हैं तो वो कौन से पोर्शन से जाएंगे, सर्वाइकल से। जबकि अगर मैं बात करती हूँ पैरों की, लेग्स से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है या जा रही है तो वो किस पोर्शन से होते हुए जाएगी, लंबर, आपके जो लंबर स्वेलिंग है उससे होते हुए जाएगी। तो यहाँ से ये बात आपकी क्लियर हो जाती है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेडुला ओब्लोंगाटा से एक्सटेंड होती है, यानी कि मेडुला ओब्लोंगाटा के बाद क्या आता है आपका, ऑब्वियसली सर्वाइकल से ही आएगी। वर्टिब्रल कॉलम पहला सर्वाइकल है, सर्वाइकल से स्टार्ट होगी और लंबर 1 में जाके, लंबर 1 और 2 के जस्ट बीच में होता है, इसलिए मैंने ये 2 को भी मेंशन किया हुआ है। L1 L2 के बीच में क्या हो जाती है आपकी, खत्म हो जाती है। तो सिंपली पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद आते हैं, देखिए जैसे आपने ब्रेन का सेक्शन कटिंग करके देखा था वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड का भी सेक्शन कट करके देखते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड को इस तरीके से कट किया जाए, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे इस तरीके से, इसे कट करो, ये है मान लो स्पाइनल कॉर्ड और इसे ऐसे कट करा और फिर ऊपर से आपने ऐसे यहाँ से टेलीस्कोप लगा के, मान लीजिए ये है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये व्यू पॉइंट ऐसा है, तो स्पाइनल कॉर्ड आपको कैसी दिखाई देगी ये हम देखते हैं। ये देखिए ये है, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को इस तरीके से आपने कट किया था तो कट करके अगर आप ऊपर से देखोगे तो स्पाइनल कॉर्ड आपको ऐसी दिखाई देगी और इसमें मेन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपके, ये वाला जो सेंटर पोर्शन होता है ये क्या होता है, ग्रे मैटर, बिल्कुल अपोजिट। देखो ब्रेन में क्या था, ब्रेन में क्या था, सेंटर में क्या होता था, व्हाइट मैटर होता था और बाहर साइड क्या होता था आपका, ग्रे मैटर होता था। स्पाइनल कॉर्ड जस्ट अपोजिट होता है, सेंटर में ग्रे मैटर होता है और बाहर साइड क्या होता है आपका, कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है आपका, व्हाइट मैटर। और मैंने पहले ही बताया था ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होते क्या है, ग्रे मैटर वो हिस्सा है जहां पे क्या होंगी, सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी, जहां न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होंगी वो से क्या बोलोगे आप, ग्रे मैटर, और जहां पे एक्सोन प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलोगे, व्हाइट मैटर। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड का जब ट्रांसवर्स आपने एक सेक्शन किया तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखा। इसमें एक और चीज आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो रही है, यहां पे देखो इसे बोलते हैं हम सेंट्रल कैनाल,
सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल का काम क्या होता है? सेंट्रल कैनाल क्या करती है? आपकी CSF को स्टोर करने का काम करती है। यहाँ पे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूड रहता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, आपका वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। तो CSF के लिए ये सेंट्रल कैनाल होती है। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड में वर्किंग कैसे होती है, इसमें देखो आपको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसे बोलते हैं डॉर्सल रूट। क्या बोलते हैं? डॉर्सल रूट। और जो ये नीचे आपको दिख रही है, ये होती है आपकी वेंट्रल रूट। तो दो रूट आपको दिखाई दे रही है। वेंट्रल मतलब फ्रंट, यानी कि कोई भी अगर न्यूरॉन आएगा तो वो डायरेक्टली कैसे जाएगा आपका, अभी मैं आपको बताऊंगी रिफ्लेक्स सेक्शन में, वो इस तरीके से जाएगा। जबकि डॉर्सल के केस में वो आएगा और कहाँ जाएगा, इसके जस्ट पीछे जाएगा। ये देखो, ये तो अंदर ऊपर से गया है ना, ये आपका इसके बैक पोर्शन से जाएगा। तो दो रूट होती है स्पाइनल कॉर्ड की। जो ये ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये डॉर्सल रूट है, और जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, वेंट्रल रूट है। और हमेशा ध्यान रखेंगे, डॉर्सल रूट किसके लिए होती है? सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए। सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं? जो ब्रेन को मैसेज ला रहे हैं, सेंस को ला रहे हैं। और एक चीज जो मैंने पहले भी बोली थी कि अगर ब्रेन के पास कोई भी मैसेज आना है, ठीक है, ब्रेन के पास अगर कोई भी मैसेज आना है तो वो हमेशा कैसे आएगा? स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ आएगा। और अगर ब्रेन कोई भी मैसेज वापस भेज रही है न्यूरॉन्स के थ्रू, तो वो न्यूरॉन्स भी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर बाहर से कभी भी कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो कैसे आएगी? सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ से आएंगे आपके? डॉर्सल रूट से होते हुए कहाँ जाएंगे? इस तरीके से डॉर्सल रूट से आएंगे और क्या करेंगे, इस तरीके से ब्रेन को सप्लाई हो जाएंगे। और अगर ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, इस तरीके से अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, तो क्या होगा? वेंट्रल रूट से कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, डॉर्सल रूट किसके लिए है? सेंसरी न्यूरॉन के लिए है। यानी कि वो न्यूरॉन जो कि ब्रेन को मैसेज लेके जा रहे हैं, वो कहाँ से होते हुए जाएंगे? डॉर्सल रूट से होते हुए जाएंगे। और जो ब्रेन से वापस जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो न्यूरॉन्स वापस आ रहे हैं, वो कहाँ से होते हुए आएंगे? वेंट्रल रूट से बाहर आएंगे। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। तो इसमें देखो किस तरीके से होता है, इसको आप एक ब्रॉड में हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन किस तरीके से आती है। थोड़ा सा इसका व्यू हम बड़ा करके देखते हैं। ये है आपका, ठीक है, ये क्या है? सेंटर में, सेंटर कैनाल। तो देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी बॉडी में, कोई भी ऐसी चीज हुई है जिसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या ब्रेन के पास कुछ ना कुछ मैसेज जाना है, तो वो कहाँ से होते हुए जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएगा। और ब्रेन अगर कुछ भी भेजेगी तो वो वहीं से भेजेगी। ये तो क्लियर समझ में आता है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास एक जगह ऐसी होगी जो कि नीचे से आने वाले मैसेज को जाने देगी ब्रेन के पास, लेकिन एक जगह ऐसी भी होगी जो ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है, ब्रेन से जो न्यूरॉन वापस आ रहे हैं, उन्हें आने दे। और मैंने दोनों जगह आपको बता दी हैं। ये ऊपर वाला जो डॉर्सल रूट है, ये वाला, और ये वेंट्रल। डॉर्सल में आपकी इंफॉर्मेशन आएगी और वेंट्रल में आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी। देखते हैं कैसे होता है। और यहाँ पे कहीं क्या है? ब्रेन है, ठीक है। इसको इसी तरीके से रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे इसे। ये है आपका ब्रेन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी में कोई भी, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, मान लीजिए जो हमेशा एग्जांपल मैं देती हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल, कि आपने किसी गर्म सरफेस पर टच किया, तो ये मान लीजिए आपकी स्किन है, ठीक है, ये स्किन सेल है आपकी। तो क्या हुआ, जैसे ही स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई मतलब हीट, जैसे ही आपकी स्किन के सरफेस में हीट लगी, ये मेरी फिंगर है, फिंगर में जैसे ही हीट लगी, तो क्या हुआ, आपका मैसेज जाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू, जाएगा ना। ये क्या है? आपके न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स किस तरीके से बना सकते हैं? देखो, न्यूरॉन्स के टर्मिनल होते हैं यहाँ पे, ये है, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला, कौन सा एक्टिव, सबसे पहले कौन सा एक्टिवेट होता है? ये हमारा पोर्शन रहेगा
डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स के पार्ट पड़े हैं ना, ये क्या है आपका डेंड्राइट्स है। अब इससे भी पहले एक बात ये समझ लो कि क्या होता है, ये डेंड्राइट्स इस तरह से हमारे स्किन में प्रेजेंट है, तो जैसे ही स्किन में हीट लगेगी, ठीक है, मैं क्योंकि हीट का एग्जांपल लेके दे रही हूँ, हो कुछ भी सकता है, प्रेशर हो सकता है, टच हो सकता है, बट हम हीट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे ही हीट आई, हीट कैसे काम करेगी, स्टिमुलाई की तरह, स्टिमुलस है वो, जैसे ही हीट आई इसने इस डेंड्राइट को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि डेंड्राइट के सरफेस में इस तरीके से क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये क्या है आपके रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स इन्हें बोलते हैं। तो जैसे ही हीट लगी ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, अब रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए हैं तो क्या होगा, मैसेज जाना स्टार्ट होगा कहाँ, सीएनएस में। और कौन से न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे, मैंने माइलिनेटेड बनाए नहीं है, बना लेते हैं इन्हें माइलिनेटेड, माइलिनेटेड सबको पता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है, कंडक्शन फास्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, देखो एक्सोन इसके माइलिनेटेड है, इसको यहीं पे करते हैं क्योंकि मैसेज यहीं पे आना है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, देखो जैसे ही मैसेज यहां पे आया, ठीक है, मैसेज आएगा, कौन लेके आएगा, एक्सोन लेके आएंगे, तो एक्सोन के मैसेज लाने का भी एक पाथ होता है, देखो इसके बाहर से इस तरीके से पाथ बनता है, देखो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनके दोनों फंक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं आपके मोटार फंक्शन भी होता है उसका मिक्स नर्व, इसीलिए बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके मिक्स नर्व्स होती हैं आपकी स्पाइनल नर्व, सॉरी। तो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा, इस तरीके से यहां से हटा देते हैं। देखो एक बार यहां पे आ जाओ पहले, ये क्या है आपकी, ये मैंने बताया था आपको, ये वर्टिब्रल कॉलम था, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या थी, स्पाइनल नर्व्स थी, दो दो के पेयर में प्रेजेंट थी, अगर सर्वाइकल वन है तो ये भी क्या है दो पेयर में है, इस तरीके से सारी क्या है दो दो के पेयर में अवेलेबल होती है। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि ये जो नर्व होती हैं ये मिक्स होती है, मिक्स कैसे, यही एक नर्व ऐसी भी है जो नीचे से आपके ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक लाएगी, और यही नर्व ऐसी भी है जो ब्रेन से वापस मैसेज भी लेके आएगी, यानी कि एक नर्व दोनों काम कर रही है, कौन कौन से, सेंस भी कर रही है, सेंसरी की तरह भी वर्क कर रही है और मोटार की तरह भी वर्क कर रही है। तो वो कैसे करती है, देखो ये एक ही नर्व है, ये अभी सिंपल इसे समझ लो पहले, ये आपकी नर्व है, ये है आपकी स्पाइनल नर्व, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, अभी हम नेम नहीं दे रहे हैं इसे, सर्वाइकल भी हो सकती है, थोरेसिक भी, लंबर भी हो सकती है, तो ये स्पाइनल नर्व है, ठीक है। आप देखो ये जो स्पाइनल नर्व है ये वाला दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, देखो ये वाली कौन सी है आपका, ये वाला पार्ट इसका क्या है, सेंसरी न्यूरोन है, सेंसरी न्यूरोन, और ये वाले क्या है आपके मोटार न्यूरोन। देखो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही है एक तो है सेंसरी और दूसरा क्या है मोटार, और आगे चल के एक ही जगह पे जुड़ जा रही है, वो क्या है आपका, उसको बोला आपने स्पाइनल नर्व, यानी कि एक स्पाइनल नर्व पे दोनों चीजें प्रेजेंट है। अगर आपको मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है तो आप इस रास्ते को चुनेंगे, अगर मैसेज कहाँ पहुंचना है, अगर आपके ऑर्गन तक जाना है तो इस रास्ते के थ्रू मैसेज कहाँ पहुंच जाएगा, ऑर्गन। तो सिंपली समझ जाइए कि जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो ड्यूअल फंक्शन करती हैं, सेंसरी भी मोटार भी, आपके अगर ऑर्गन से मैसेज को लाना है तो वो ले जा लेगी वेंट्रल इस वाले रूट के जरिए, और अगर वापस मैसेज लेना है तो वो इस रूट से निकल जाएगी। दोनों में अंतर क्या है, ये वाला जो होगा सेंसरी न्यूरॉन वो कौन से पार्ट में आते हैं, डॉर्सल पार्ट में आते हैं, और जबकि जो मोटार होते हैं वो कौन से पार्ट में आते हैं, वेंट्रल में आते हैं। दोनों का अपना अलग अलग जगह है, यानी कि ये जितनी भी नर्व्स आपको दिख रही है ये मिक्स नर्व है, सेंसरी भी है और मोटार भी है, इस तरीके से होंगी ये नर्व, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो होता क्या है, देखो जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, जो डॉर्सल जगह पे जा रहा है, जो सेंसरी न्यूरॉन का ये जो डॉर्सल पार्ट है, यहाँ पे आपकी इस तरीके से एक स्वेलिंग होती है, ये पार्ट जो आपको दिखा रहे हैं दोनों में नहीं होती है, वेंट्रल वाले हिस्से में नहीं रहेगी, यहाँ पे इस तरीके से रहता है। देखो ये क्या है, ये क्या है आपका, इसे यहाँ से हटा देते हैं हम,
इसको बोलते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज रहती हैं। अब देखो बात, एक जो डिफरेंस आता है वो ये है कि यहाँ पे जो सेल बॉडीज होती हैं वो कैसी होती हैं, यूनिपोलर होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, देखो यूनिपोलर न्यूरॉन कैसे होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिसमें सेल बॉडी से केवल एक एक्सटेंशन निकलता है, केवल एक, दो एक्सटेंशन नहीं निकलेंगे। जबकि बाइपोलर के केस में दो एक्सटेंशन निकल सकते हैं। एक एक्सटेंशन होता है डेंड्राइट का, जो कि नॉर्मल न्यूरॉन होते हैं हमारी बॉडी में, और दूसरा होता है एक्सोन का। ऐसा ही होता है सेल बॉडी से, इस तरीके से हमारी सेल बॉडी होती है और इस तरीके से देखो ये होता है। तो एक देखो ये सेल बॉडी जो है, एक तो ये एक्सटेंशन निकला हुआ है, एक ये एक्सटेंशन निकला हुआ है। लेकिन अब देखो मैंने बोला जो यहाँ पे न्यूरॉन होंगे वो ये यूनिपोलर होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल बॉडीज होती हैं वो अपनी एक ब्रांच, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप क्या बोलेंगे, जो गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, इसका नाम क्या है, इसे हटाते हैं यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है आपका, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया वो पोर्शन है जहाँ पे सेल बॉडीज होती हैं बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे जो सेल बॉडीज होती हैं उनकी एक खासियत होती है कि उनका केवल एक ही एक्सटेंशन होता है। आप काम कैसे चलेगा, क्योंकि एक तो एक एक्सटेंशन तो सेंस लेके आएगा, दूसरे एक्सटेंशन को आगे CNS को भी तो जाना है मैसेज पहुंचाने के लिए। तो होता क्या है, यहाँ पे जो सेल बॉडीज होती हैं उनसे एक एक्सटेंशन निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। और ये एक्सोन की दो ब्रांचिंग हो जाती है, एक्सोन आगे चल के क्या बना देता है, दो फाइबर्स ऐसे बना देता है। देखो एक ये बनाया, एक ये बनाया, देख रहे हो, एक ही आपका सेल बॉडी है, उससे पहले एक आपका एक्सटेंशन निकला, उसको क्या बोला आपने, एक्सोन। केवल क्योंकि मैंने बोला ना यूनिपोलर होते हैं, ये केवल एक ही ब्रांच निकलती है, तो वो हुआ एक्सोन। अब एक्सोन दो फाइबर्स बना देता है, एक फाइबर आपका कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। ये फाइबर कौन सा है आपका, ये डेंड्राइट वाला फाइबर है जहां पे डेंड्राइट्स होंगे। एक फाइबर क्या होगा आपका, एक्सोनल पार्ट बनाएगा। तो सिंपली आपको समझना है जो इसका डेंड्राइट वाला पार्ट है वो तो क्या करेगा, सेंस को लेगा, और जो एक्सोन वाला पार्ट है वो मैसेज कहाँ पहुंचाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा, और फिर वहां से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। देखो अब क्या होगा, हीट अप्लाई होते ही डेंड्राइट एक्टिवेट हो गए, मैसेज गया कहाँ गया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया तक गया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया पे जाने के बाद यहाँ से जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया से सेल बॉडी का दूसरा एक्सटेंशन जो था वो एक्टिवेट हो गया, और इसने मैसेज कहाँ तक पहुँचा दिया, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज कहाँ चला गया, ब्रेन। इस तरीके से होगा। देखो मैसेज कहाँ से आया, हमारी स्किन सरफेस से आया, जैसे ही डेंड्राइट्स एक्टिवेट हुए मैसेज गया डॉर्सल रूट गैंग्लिया, क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट थी, सेल बॉडी के एक्सटेंशन मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि यूनिपोलर होता है। मैसेज गया डॉर्सल गैंग्लिया पे, रुका, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इसने स्टे किया, दूसरा जो आपका फाइबर था वो एक्टिवेट हुआ, और ये फाइबर मैसेज लेके कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ इसने मैसेज कहाँ पहुँचा दिया, CNS में पहुँचा दिया। अब बात करते हैं किसकी, ये तो क्या था आपका, डॉर्सल रूट गैंग्लिया था। अब देखो ब्रेन को मैसेज जा चुका है, अब ब्रेन से जब वापस मैसेज आएगा, इसे थोड़ा सा हम अलग उससे दिखाते हैं। अब ब्रेन तक मैसेज जा चुका था, अब ब्रेन से वापस मैसेज आ रहा है, देखो ये, अब ब्रेन से जब वापस मैसेज आएगा तो क्या होगा आपका, वेंट्रल रूट से होता हुआ जाएगा। कौन सी रूट से, वेंट्रल, इस रूट से होता हुआ मैसेज जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से जाएगा, क्योंकि बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे, और गैंग्लिया की जरूरत होती नहीं है, इसीलिए गैंग्लिया प्रेजेंट होता भी नहीं है। आया मैसेज, आ रहा है ट्रेवल करता हुआ, और देखो कहाँ पे पहुंचेगा, अगर दो ऑप्शंस हैं, देखो आने वाली इंपल्स हो सकती है ना सोमैटिक की हो या ऑटोनॉमिक की हो। ये अगर मान लीजिए जो मैसेज आया था वो हमारी स्केलेटल मसल्स से आया था, ये स्केलेटल मसल है, क्योंकि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तभी तो वो गर्म सरफेस से हाथ तटाओगे अपना,
तो ये देखो ये मसल्स डायरेक्टली ये वेंट्रल रूट से होता हुआ कहाँ आ गया, स्केलेटल मसल्स में आ गया। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और आपने हाथ अपना यहाँ से हटा लिया। और दूसरा एक और ऑप्शन होता है कि अब ये जो मैसेज वापस आ रहा है ये स्केलेटल मसल्स के लिए ना होके हो सकता है ना, ये अभी तो यहाँ मैंने स्किन का एग्जांपल दिया था इसलिए स्केलेटल मसल है। हो सकता है कि ये जो इम्पल्स है कहाँ आ रही हो आपकी, ऑटोनॉमिक हो। तो ऑटोनॉमिक के केस में क्या होता है, एक सिंगल नहीं जाता है, एक बीच में आपका इस तरीके से गैंग्लिया पड़ता है, ये CNS से बाहर गैंग्लिया होता है। जो भी आपका मैसेज आ रहा है, जो न्यूरॉन आ रहा है उस गैंग्लिया पे ठहरता है और दूसरा जो आगे वाला न्यूरॉन है वो एक्टिवेट हो जाता है और फाइनली मैसेज को कहाँ पहुँचा देता है, अपनी डेस्टिनेशन तक। ऑटोनॉमिक है तो ऑटोनॉमिक पार्ट में जाएगा, लाइक हार्ट में ही जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जहाँ तक ये मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ से सिंपली समझ में आ जाता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर मैसेज को जाना है तो वो कहाँ से होते हुए जाएगा, डॉर्सल रूट से होते हुए जाएगा। इसमें एक डॉर्सल रूट गैंग्लिया प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं या जो सेल बॉडी होती है वो यूनिपोलर होती है, तो इसलिए पहले इसका डिवीजन होना जरूरी है, दो फाइबर्स बनने जरूरी हैं, नहीं तो मैसेज आगे नहीं जाएगा। तो जो भी मैसेज आ रहा है डॉर्सल रूट गैंग्लिया पे ठहरेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा दूसरे न्यूरॉन के जरिए और सीधे आपका CNS में जाएगा। बट वेंट्रल के केस में ऐसा कोई आपका सीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, तो डायरेक्टली जो भी मैसेज CNS से आया है स्पाइनल कॉर्ड में वो सीधे यहाँ से कहाँ चला जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा इन केस ऑफ सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के केस में एक एक्सेप्शन हो जाता है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आ रही है वो पहले CNS से बाहर, देखो स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दिया है इसने, है ना, तो CNS से बाहर आपका एक गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, वहां पे वो इंफॉर्मेशन ठहरती है और फिर वो अपना जो भी मैसेज है वो किसको देती है, दूसरे न्यूरॉन को देती है। क्योंकि देखो यहां पे दोनों चीजें हो सकती हैं, ऑटोनॉमिक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए आप दे रहे हैं या फिर हार्ट रेट को कम करने के लिए इंफॉर्मेशन आई है। तो ये गैंग्लिया में आपका क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा और जो भी इस न्यूरॉन का फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। अगर हार्ट रेट को बढ़ाना था तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, अगर घटाना था तो घट जाएगा, वाया पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो गैंग्लिया होता है दोनों का अलग होता है, सिंपेथेटिक सिस्टम का अलग गैंग्लिया होगा, पैरासिम्पेथेटिक का अलग गैंग्लिया होगा, इसीलिए जो रिस्पॉन्स आएंगे हार्ट में वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये आपका क्या था, स्पाइनल कॉर्ड का पूरा एनाटॉमी हमने देखी थी एज वेल एज फिजियोलॉजी हमने देख ली कि किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड आपका अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हमेशा यही ध्यान रखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके की है, पहले इसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसमें स्पाइनल नर्व्स आपको पता होनी चाहिए कि कितनी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है। टोटल हमारी स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 होती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड कितनी है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड कौन से वर्टिब्रा तक जाती है आपकी, केवल लंबर 1 और 2 के बीच तक जाती है, उसके बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड आगे को नहीं जाती है। लेकिन स्पाइनल नर्व क्या होती है, टोटल 31 पेयर में होती है, ध्यान रखिएगा। और वर्टिब्रल आपको पता है वर्टिब्रा कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, और जो सर्वाइकल होती है, देखो एक और यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो सर्वाइकल जो आपका वर्टिब्रा होते हैं वो कितने होते हैं, 7 इन नंबर होते हैं, लेकिन सर्वाइकल नर्व्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि कितना हो रहा है आपका, टोटल काउंट अगर करके देखोगे तो आपका कितना बनता है, 31 पेयर बनता है, अदरवाइज 30 बनता है ना। तो याद रखिएगा कि ये आपकी 8 होती हैं, नर्व्स की बात कर रही हूँ। वर्टिब्रा कितने होते हैं, सर्वाइकल 7, और नर्व्स कितनी होती हैं, स्पाइनल नर्व 8 होती हैं सर्वाइकल। तो इस तरीके से ये आप स्पाइनल कॉर्ड की पूरी ये फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे, तो इसे रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।